बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में दो बहनें सुरभि और कामिनी अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थीं। सुरभि और कामिनी की माँ एक छोटी सी बेकरी चलाया करती थी। सुनीता बेकरी चलाकर ही बहुत मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। सुनीता बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट केक बनाया करती थी। सुनीता के केक कुछ ही दिनों में बहुत मशहूर हो गए। दूर दूर से लोग सुनीता की बेकरी से केक लेने आया करते थे। एक दिन सुनीता की बेकरी पर एक बहुत ही धनवान महिला आती है और वह सुनीता से कहती है, अरे मैंने तो तुम्हारे केक के बारे में बहुत सुना था और इसी वजह से मैं बहुत दूर से आपको केक का ऑर्डर देने आई हूँ, लेकिन आपकी तो बहुत छोटी बेकरी है, आप मेरा ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगी। नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेकरी भले ही छोटी है, लेकिन आप मुझे अपने ऑर्डर के बारे में बताइए। आपको कितने केक चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। 10, 20, आखिर कितने केक चाहिए आपको? अरे नहीं, 10-20 नहीं, मुझे पूरे 200 केक चाहिए। मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं अपने बेटे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, इसलिए मुझे 200 केक अलग अलग वैरायटी के चाहिए। क्या तुम दे सकती हो? वैसे मैं यहाँ कभी नहीं आती। एक बार मेरा बेटा आपकी बेकरी से केक खा कर गया था, तभी से उसने जिद पकड़ रखी है कि वह आपकी बेकरी से ही केक मंगाएगा। देखिए बहन जी, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं मेरी दोनों बेटियों के साथ मिलकर आपके बेटे के जन्मदिन के लिए 200 केक अलग अलग वैरायटी के बनाकर समय पर आपके घर पहुंचा दूंगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो ये लीजिए एडवांस पैसे, कल तक 200 केक पहुंच जाने चाहिए। वह धनवान महिला सुनीता को एडवांस पैसे देकर चली जाती है। सुनीता बहुत ही खुश होती है और अपने घर जाकर सुरभि और कामिनी से कहती है, सुरभि और कामिनी तुम्हें पता है मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी 200 केक बनाने का। देखो मेरी प्यारी बच्चियों, आज तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी क्योंकि मैं अकेली 200 केक नहीं बना सकती। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप हमारे लिए कितना करती हैं, क्या हम आज आपकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? हम केक बनाने में आपकी जरूर मदद करेंगे, क्यों कामिनी? हाँ जरूर माँ, 200 केक इतने सारे, आपको तो बहुत ज्यादा पैसे मिले होंगे। अब आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिलाना और बहुत सुंदर सैंडल भी, बहुत दिन हो चुके हैं फटे पुराने कपड़े पहनते हुए। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम्हें बहुत सुंदर ड्रेसेस और सैंडल भी दिलाऊंगी और खिलौने भी, बस समय पर यह केक बनकर चले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बच्चियों बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको नहीं जानते और फिर आपकी दोनों बेटियां भी तो हैं। चलो अब जल्दी से हम काम पर लग जाते हैं, वरना बात करते करते समय बीत जाएगा और केक भी नहीं बन पाएंगे। ऐसा कहकर तीनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। इन तीनों की बातें पड़ोस में रहने वाली सरोजिनी सुन लेती है, जो हमेशा सुनीता की बेकरी और उसकी कामयाबी से जल रही थी। सरोजिनी अपने घर जाकर आग बबूला हो जाती है, तभी उसकी बेटी चंदा कहती है, माँ आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपके किसी ने जेवर चुरा लिए हो, आखिर बात क्या है, अपनी बेटी को तो बता सकती हो। ये सुनीता की बच्ची हर दिन आगे बढ़ रही है, आज इसे 200 केक का ऑर्डर मिला है, कल 300 का मिलेगा, फिर 400 का मिलेगा, ऐसे तो ये बहुत अमीर हो जाएगी और इसकी बेटियां भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगेंगी। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझसे अमीर कोई और नहीं हो सकता और ये सुनीता तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर ये अमीर हो गए तो सुरभि और कामिनी अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनने लगेंगी, आपको जरूर कुछ करना चाहिए। चंदा मेरी बिटिया, मेरे होते हुए ये सुनीता कभी अमीर नहीं हो सकती, इसकी छोटी सी बेकरी को मैं जलाकर राख कर दूंगी। ऐसा कहकर सरोजिनी हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता और उसकी दोनों बेटियां बहुत खुशी खुशी 200 केक बनाने का ऑर्डर पूरा कर रही थी। तीनों माँ बेटी बहुत मेहनत करती हैं और दिन रात मेहनत करके वो 200 केक बना देती हैं। सुबह होने के बाद तभी सुरभि कहती है, माँ मैं और कामिनी
घर जा रहे हैं। आप यह सारे केक जानकी आंटी के घर पहुंचाकर घर वापस आ जाना। ठीक है मेरी प्यारी बच्चियों, लेकिन तुम कुछ खा लेना। तुमने मेरे साथ केक बनाने के चक्कर में कुछ खाया ही नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी। माँ, घर जाने के बाद हम दोनों बहन खाना खा लेंगे। माँ जल्दी आना, हमें आपका इंतजार रहेगा। ऐसा कहकर कामिनी और सुरभि अपनी माँ को बेकरी में छोड़कर घर आ जाती हैं। लेकिन कामिनी और सुरभि को कहाँ पता था कि उनके पीछे क्या होने वाला है। सरोजनी छुपकर जाती है और बेकरी में आग लगा देती है। सरोजनी को ये पता नहीं होता कि बेकरी के अंदर सुनीता भी है। वह इस बात से अनजान थी। उसे लगा कि सुरभि और कामिनी के साथ सुनीता भी अपने घर चली गई। सरोजनी सिर्फ सुनीता की बेकरी खत्म करना चाहती थी, लेकिन जाने अनजाने में उससे यह बड़ा पाप हो गया। बेकरी में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच जाती है और इस बात की खबर जब सुरभि और कामिनी को लगती है, मानो ऐसे जैसे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका हो। दोनों बहन भागकर आती हैं और रोने लग जाती हैं। नहीं बा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। काश हम आपको बेकरी में अकेला छोड़कर नहीं जाते, अपने साथ ले जाते, या फिर हम दोनों बहन भी आपके साथ इस बेकरी में जलकर राख हो जाते। अब हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? माँ, दीदी, माँ हमारे पास कभी नहीं आएंगी, वो हमें छोड़कर चली गई। मैंने माँ से कहा था कि मुझे उनका इंतज़ार रहेगा। दीदी, ये हमारे साथ क्या हो गया? हमारे तो खुशियों के दिन आने वाले थे, ये हमारी खुशियों को आखिर किसकी नज़र लग गई दीदी? ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लग जाती हैं। कुछ समय बाद जानकी आ जाती है। तभी वह बहुत गुस्से में सुरभि और कामिनी से कहती है, देखो लड़कियों, तुम्हारी माँ ने मेरे से पूरे एडवांस के 1,00,000 रुपए लिए थे। तुम्हारी माँ ने 200 केक बनाकर तो मुझे नहीं दिए और खुद स्वर्गवास हो गई। अब मुझे तुम दोनों 1,00,000 रुपया वापस करोगी, वरना मैं तुम दोनों को जेल करा दूंगी। मेरी बात समझ रही हो ना? आंटी जी, हम लोग गरीब हैं। मेरी माँ छोटी सी बेकरी चलाया करती थी और हमारा पालन पोषण किया करती थी, लेकिन अब तो हमारी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है और हमारी बेकरी भी जल चुकी है। हमारे पास 1,00,000 रुपया कहाँ से आए? वो तो सब केक बनाने में खर्च हो गए। हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है आपको देने के लिए। देखो लड़कियों, मुझे कुछ नहीं पता, अपना घर बेचो या खुद को बेचो, कुछ भी करो, मगर मेरा 1,00,000 रुपया मुझे वापस करो। ऐसा कहकर जानकी सुरभि और कामिनी को धमकी देकर चली जाती है। दोनों बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। सुरभि और कामिनी जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी, तभी कामिनी की नज़र एक चमकती हुई चीज पर जाती है, जिसे देखकर कामिनी सुरभि से कहती है, दीदी, जमीन के नीचे आखिर क्या है जो इतना चमक रहा है? हमें जमीन खोदकर देखनी चाहिए। कामिनी की बात सुनकर सुरभि को ऐसा लगता है कि जैसे जमीन खोदकर देखनी चाहिए, आखिर ये चमकती हुई चीज क्या है। दोनों बहनें उस जमीन को जैसे ही खोदकर देखती हैं, तो उन्हें एक मशीन दिखाई देती है। तभी उस मशीन से आवाज आती है, लगता है तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तभी तो मैं तुम्हें नजर आई हूँ। मैं कोई मामूली मशीन नहीं हूँ, मैं जादुई केक बनाने की मशीन हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले जाओ। हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर क्या करेंगे? हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, जिसकी वजह से हम इस मशीन से केक बना पाए। शायद तुमने सही से सुना नहीं, मैं जादुई केक बनाने की मशीन हूँ। मेरे अंदर कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ एक बटन दबाओगी, अलग अलग तरह के केक और पेस्ट्री निकल कर आ जाएंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जादुई केक बनाने वाली मशीन की बातें सुनकर दोनों बहन बहुत खुश हो जाती हैं और उसे अपने साथ घर ले जाती हैं। और जैसे जादुई केक बनाने वाली मशीन कहती है, बिल्कुल वैसे ही करती हैं। जैसे ही एक बटन दबाती हैं, तभी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के केक और पेस्ट्री निकल कर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कामिनी सुरभि से कहती है, दीदी, हमें जादुई केक बनाने वाली मशीन से 200 केक तुरंत बनाकर उस दुष्ट जानकी के घर पहुंचाने होंगे। हमारी माँ की बेकरी का नाम भी खराब नहीं होगा। कामिनी की बातें सुनकर सुरभि बहुत खुश हो जाती है और वह उस जादुई केक बनाने वाली मशीन से
तुरंत 200 केक बनाती है और वह जानकी के घर पहुंचा देती है। केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, जिसकी वजह से सुरभि और कामिनी का बहुत नाम होता है। कुछ समय बाद सुरभि और कामिनी अपनी माँ के नाम से एक बेकरी खोलती हैं और जादुई केक बनाने वाली मशीन से केक बनाया करती थी और उस बेकरी पर बेचा करती थी। कुछ ही समय में दोनों बहनें पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो जाती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताती हैं। वहीं दूसरी तरफ सरोजनी और उसकी बेटी हाथ मलती रह जाती हैं।